कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? क्या तबीयत भाभी जान, बस लगता है दिन पूरे हो गए। ऐसे भी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें इस कदर जिल्लत हो। क्यों ऐसी बातें कर रही हो सुल्ताना? अपना दिल छोटा मत करो, अच्छा अच्छा सोचो। जिसको बेटे जैसा समझा, इतना चाहा, प्यार किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करे। मानी होने की लाज रखी, सास होने का भरम रखा। तुम जानती तो हो आजकल के बच्चों को, बड़े छोटे का जरा लिहाज नहीं है इन लोगों में। सारी बात माँ की तरबियत की होती है भाभी जान, उमेर भी तो है। मजाल है उस बच्चे ने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक की हो। काश वो ही मेरा दामाद होता। वो मेरा दामाद उस जैसा होता। बहुत बहुत गलत किया अनिका ने, बहुत गलत किया। ताहिर से शादी करना उसका सबसे बुरा फैसला था। पछता रही है ना वो? अब इन सब बातों का क्या फायदा सुल्ताना, जो होना था वो तो हो चुका। अच्छा जाने दो सारी बातें, तुम अपना ख्याल रखो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूं। क्या आराम करे सुल्ताना, क्या आराम के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की ने मुझे। सबर बात कर दिया, सबर बात कर दिया। उमेर चाय। थैंक यू। पता है फातिमा, तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये कि बिन बोले मैं कुछ भी चीज चाहता हूँ, कुछ भी मांगता हूँ, वो तुम ले आते। इस वक्त वाकई मुझे बहुत चाय की तलब हो रही थी। थैंक यू। मैं एक बात कहूँ, मानोगे? तुम 10 बातें कहो, मैं 10 बातें मानने के लिए तैयार। हम अपनी शादी की तकरीब आगे नहीं रख सकते? क्यों, अम्मी ने कुछ कहा? नहीं भाई, ये मेरी अपनी राय है। ऐसी अजीब बातें कर रही हो तुम। मैं तुम देखो ना कि घर में कैसे हालात चल रहे हैं। सुल्ताना चाची और अनिका बहुत परेशान हैं। अगर इन हालात में हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब वक्त नहीं है। इससे पागलों वाली बातें मत करो, प्लीज। मैं इसमें पागल होने वाली क्या बात है? इतनी मुश्किल से अम्मी को मनाए और मुझे नहीं पता कि उनका माइंड कब चेंज हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि शादी कल हो जाए और तुम कह रही हो कि आगे कर दो। ये क्या अजीब किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैं तो बस सुल्ताना चाची और अनिका की वजह से कह रही थी। प्लीज फातिमा, अब अपने बारे में सोचो एक। बहुत सोच लिया तुमने दूसरों के बारे में, कुछ नहीं मिला तुम्हें सोच के। अगर अपने बारे में नहीं सोच सकती ना, मेरे बारे में सोच लो। मैं